फिल्म के शुरुआत में हमें मनी नाम का शख्स दिखाया जाता है जो कैलिफोर्निया के एक जेल में कैद था। जेल में वो अपने बेटे जोशुआ के लिए एक चिट्ठी लिखता है, लेकिन वो उस चिट्ठी को पोस्ट नहीं करता। दरअसल वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी या उसका बेटा उससे कोई संपर्क रखे, क्योंकि वो एक खूंखार अपराधी है। फिर हमें पता चलता है कि वो कई सालों से जेल में ही है और जेल में उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे पेरोल पर छोड़ दिया जाता है। वो अब जेल से निकलकर फ्रैंक नाम के अपराधी से मिलता है, जिसे सब शॉटगन के नाम से बुलाते हैं। शॉटगन के साथ हॉवी नाम का एक सोल्जर होता है जो हाल ही में अफगानिस्तान से वापस आया है। दरअसल ओवी ने अफगानिस्तान से रशियन हथियारों के कंसाइनमेंट को जब्त कर लिया होता है, लेकिन वो इस बात की खबर यूएस गवर्नमेंट को नहीं देता, बल्कि वो इन हथियारों को मेक्सिको के गैंगस्टर्स को बेचना चाहता था, जिसके लिए उसे मनी की जरूरत थी। आप सीन शिफ्ट होकर कुचर नाम के पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़ती है, जिसे खबर मिलती है कि लेनी नाम के आदमी ने 14 साल की एक बच्ची को अपने घर में कैद कर लिया है। तब कुचर लेनी के घर जाकर उसे बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर लेनी दरवाजे के अंदर से कुचर पर 3 गोलियां चलाता है, लेकिन कुचर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद वो लेनी का दरवाजा तोड़कर बाकी पुलिस वालों की मदद से उस बच्ची को बचा लेता है। और अब हम आगे देख पाते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट होने के बाद भी उन गोलियों की वजह से कुचर के सीने में गोली का निशान बन गया है, जिसके बावजूद वो छुट्टी ना लेकर दूसरे मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उधर शॉटगन मनी को हॉबी से मिलवाकर मनी के लिए एक पार्टी रखता है, क्योंकि वो काफी सालों बाद जेल से छूटा था। पर यहाँ पार्टी के दौरान उन लोगों पर हमला हो जाता है, जिसमें मनी तो बच जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी एक लड़की के कंधे पर गोली लग जाती है, पर वो उसकी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद हम उसे कार चलाते देखते हैं, जहाँ वो हॉवी को एक पुल पर उतार कर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अब अपने पास के बारे में सोचने लगता है, जिसी के साथ ये मूवी 10 साल पीछे की ओर मुड़ जाती है, जब मनी कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था और उसका असली नाम जेकब होता है। जेकब के परिवार में उसकी पत्नी केट और एक बेटा नेम जोशुआ होता है, और उन दोनों से वो बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन जब जेकब और उसकी पत्नी जेकब के दोस्त और उस दोस्त की पत्नी के साथ एक पार्टी से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनकी कार का दुर्घटना हो जाता है, जिसमें दुर्भाग्य से जेकब का दोस्त मारा जाता है। वहीं पार्टी में जेकब ने थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया था, इसलिए पुलिस वाले उसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते। अब नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से कार दुर्घटना में उसका दोस्त मारा गया था, इसलिए जेकब को 7 साल की सजा होने वाली थी। लेकिन उसका वकील उसे ये सलाह देता है कि यदि वो कोर्ट में केस के बजाय अपने जुर्म को स्वीकार कर ले तो उसे सिर्फ 14 महीनों की सजा होगी। इसलिए अब जेकब केस लड़ने के बजाय गिल्टी प्ली डाल देता है, इसलिए उसे 16 महीनों की सजा होती है। अब आगे हम जेकब को जेल में देखते हैं, जहां दिन में एक बार सभी कैदियों को खुले मैदान में ले जाया जाता है। वहां जेकब एक अफ्रीकन अमेरिकन से टकरा जाता है, जो इतनी सी बात पर जेकब से लड़ने लगता है, जिसके जवाब में जेकब उसे बुरी तरह पीट देता है। तब पुलिस वाले वहां आकर उन दोनों की लड़ाई रोकते हैं और जेकब को सजा के तौर पर डिटेंशन रूम में डाल दिया जाता है। फिर अगले दिन जेकब को शॉटगन नाम का आदमी उसे अपनी गैंग के लीडर बॉटल से मिलवाता है, जो उसकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए कहता है कि यदि तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। दरअसल बॉटल्स उसे ये कहना चाहता था कि उसे गोरे लोगों की गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, और क्योंकि उसने काले आदमी को मारा था, जिस कारण अफ्रीकन अमेरिकन गैंग के लोग जेकब से अपना बदला जरूर लेना चाहेंगे, जिस पर जेकब ना चाहते भी उसके गैंग में शामिल हो जाता है, वरना वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद बॉटल्स जो जेल के अंदर से हीरोइन की तस्करी का काम किया करता था, वो जेकब से भी ये काम करवाता है। लेकिन जेल में एक ऐसा कैदी भी था जो पुलिस वालों को बॉटल्स के धंधे की सारी जानकारी दिया करता था, और उस कैदी का नाम पता चलते ही बॉटल जेकब को आदेश देता है कि वो उस कैदी को जान से मार दे। अब जेकब उसे मारना तो नहीं चाहता था, पर यदि उसने बॉटल्स की बात ना मानी तो वो लोग उसे अपनी गैंग से निकाल देंगे, जिससे उसकी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन की गैंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो मजबूरी में बॉटल्स का आदेश मानकर उस कैदी की हत्या कर देता है, जिससे गैंग के लोगों के बीच जेकब का रुतबा बढ़ जाता है। वहीं जेकब जो पहले स्टॉक ब्रोकिंग का काम किया करता था, जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते थे, इसलिए जेल में उसका नाम मनी रख दिया जाता है। इधर अब बॉटल्स को दूसरी जेल से एक बड़े अपराधी नेम 20 का आदेश मिलता है कि वो मैक्सिकन गैंग के लीडर गोमेज के साथ मिलकर अफ्रीकन अमेरिकन कैदियों की हत्या कर दे, जिस पर वो सभी काले कैदियों पर हमला कर देते, बदले में काले कैदी भी उन पर टूट पड़ते। और इस सब में मनी एक काले कैदी की हत्या करने के साथ साथ गोमेज की भी जान बचा लेता है, लेकिन ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है। और जब पुलिस वाले उस सीसीटीवी फुटेजेस को कोर्ट में पेश करते, जहां उस
उसने काले कैदी की हत्या कर दी थी तो जज मनी को 9 साल तक जेल काटने की सजा सुनाती है। तब मनी कोर्ट से जाते हुए अपनी पत्नी केट से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो पुराना वाला जेकब नहीं रहा बल्कि अब मनी बन चुका है जो एक गैंग का मेंबर है। इसके बाद जेकब को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ बड़े अपराधियों को रखा गया था, और इस जेल में कैदियों को खुले मैदान में नहीं छोड़ा जाता था बल्कि पुलिस वाले उन्हें धूप और हवा लेने के लिए भी लोहे के एक पिंजरे में रखा करते थे। वहाँ मनी की मुलाकात रेडवुड नाम के एक आदमी से होती है जो दूसरे पिंजरे में कैद था। फिर एक दिन जब मनी को पिंजरे से निकालकर उसकी सेल में लाया जा रहा था तो उसकी लड़ाई दूसरे कैदी से हो जाती है जहाँ वो उस दूसरे कैदी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डालकर इस लड़ाई को रुकवा देते है। अब मनी जेल में रहकर वर्कआउट करने लग गया था और उसका डेडिकेशन देखकर रेडवुड उसे बीच से मिलवाता है जहाँ बीच मनी से बताता है कि ये जेल ही हमारा साम्राज्य है, यहाँ तक कि जेल के ज्यादातर भी मेरे लिए ही काम करते हैं। और बातों ही बातों में मनी को पता चलता है कि रेडवर्ड ने आज ही एक गार्ड को स्क्रू की मदद से मारा भी है, जिसके बाद ही मूवी उस समय की तरफ मुड़ जाती है जब मनी को जेल से छोड़ा जा रहा था। यहाँ भी उसे कॉल करके हथियारों का एक सौदा फाइनल करने को कहता है, लेकिन मनी जो इतने सालों बाद जेल से छूट रहा था वो इस काम के लिए मना कर देता है, जिस पर बीस उसे धमकी देता है कि यदि उसने ये सौदा पूरा नहीं किया तो वो उसके परिवार को जान से मार देगा। इसलिए अब मनी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। जो अब जेल से निकलते ही शॉटगन और हवाई से मिलता है जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। आप प्रेजेंट टाइमलाइन में हम मनी को उसकी पत्नी केट से मिलते देखते जिसे वो बताता है कि मैंने अपना सारा पैसा जोशुआ के नाम पर कर दिया है। साथ ही साथ वो केट से ये भी कहता है कि वो उससे और जोशुआ से नहीं मिल सकता। दरअसल मनी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि हाल ही में पार्टी के दौरान उसके ऊपर हमला हुआ था और यदि वो अपने परिवार के साथ रहा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब दूसरे दिन वो गैंग के बाकी लोगों से मिलकर हथियारों के सौदा का सारा प्लान समझाता है जहां मनी नोटिस करता है कि शॉटगन थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। इस वजह से उसे शॉटगन पर शक हो जाता है और अब उसका पीछा करने पर वो शॉटगन को ऑफिसर कचर से मिलते हुए देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि शॉटगन इस सौदे की सारी खबर पुलिस वालों को दे रहा है। वहीं अगले दिन के जोशुआ को लेकर मनी के पास एक पेपर पर उसकी साइन लेने आती है जहां वो अपने बेटे को देखकर काफी भावुक हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि यदि वो अपने परिवार से ऐसे ही मिलता रहा तो दुश्मन गैंग के लोग उसके परिवार को मार देंगे, इसलिए वो अपने बेटे से बिना कोई बात के दरवाजा बंद करके रोने लगता है। अब मनी जिसे पता था कि पुलिस वाले उसके होटल पर नजर रखे हुए, इसलिए वो सामने के दरवाजे से बाहर निकलने के बजाय पीछे की खिड़की से निकलकर शॉटगन के पास चला जाता है जहां वो शॉटगन पर चाकू से कई बार करते हुए बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम पुलिस को मेरे बारे में सारी खबर दे रहे हो। अब यहाँ शॉटगन मरने से पहले मनी को बता देता है कि पार्टी वाले दिन उसने और गोमेज ने मनी के ऊपर गोलियां चलवाई थी, जिस पर अब मनी शॉटगन के हाथ में उसका फोन पकड़वा कर वहां से चला जाता है। दरअसल वो चाहता था कि पुलिस वालों को शॉटगन का फोन मिल जाए, जिसके बाद हम कुचर को शॉटगन के घर में देखते हैं जहां वो उसकी लाश देखकर अपने बाकी साथियों को आदेश देता है कि वो लोग मनी के होटल जाकर उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन अब तक मनी वहां से भाग चुका था जो एक दुकान से इनहेलर और शेविंग ब्लेड खरीदता है। इस तरफ गोमेज मनी को सौदा वाली लोकेशन पर भेजता है, जिस पर मनी उस लोकेशन को शॉटगन के फोन पर फॉरवर्ड कर देता है ताकि पुलिस वालों को सौदा की लोकेशन का पता चल जाए। अब आगे हम हॉबी और मनी को हथियारों के साथ डील वाली लोकेशन पर जाते देखते हैं, जहां लोकेशन पर पहुंचने से ठीक पहले मनी हॉबी को बंदूक की नोक पर लेकर उससे बाकी हथियारों की लोकेशन पूछता है जिसे शॉटगन खुद ही बेचना चाहता था। अब उन हथियारों की लोकेशन जानने के बाद वो हॉवी को सलाह देता है कि वो इन अपराधियों से दूर रहे, और ऐसा कहकर वो उसे गाड़ी से नीचे उतारकर खुद उस जगह पहुंच जाता है जहां डील होने वाली थी। वहीं अब तक पुलिस उस जगह पर पहुंच चुकी थी, जिन्हें देखते ही सारे अपराधी गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में पुलिस भी बहुत सारे अपराधियों को मार गिराती है। वहीं इधर मनी और गोमेज पुलिस वालों को सरेंडर करके जेल चले जाते हैं, जबकि हॉवी दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अब अगले सीन में मनी को वापस से उसी जेल में देखते हैं जहां पर 20 कैद था। वहां पर मनी उस ब्लेड और इनहेलर को छिपा कर लेकर गया था जिसे उसने दुकान से खरीदा था। वो किसी तरह उस ब्लेड और इनहेलर से अपनी हथकड़ी की चाबी बना लेता है। वहीं इस तरह 20 को ये पता चलते है कि मनी ने ही पुलिस वालों को सौदा वाली जगह का पता बताया था, तो वो मनी को धमकाता है कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगा, पर मैं अपने आदमियों को आदेश देकर तुम्हारी पत्नी और बेटे को जान से मरवा दूंगा, जो सुनकर मनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रॉबर्ट नाम का एक गार्ड मनी को उसके पिंजरे से निकालकर उसके सेल में ला रहा होता है तो मनी अपने हथकड़ी को खोलकर रॉबर्ट के गले पर ब्लेड लगाते हुए उसे अपने ही पिंजरे में बंद कर देता है, जिसके बाद वो रॉबर्ट से 20 के पिंजरे की चाबी लेकर 20 को आजाद कर देता है,
जहाँ कुछ ही देर की लड़ाई के बाद वो बीस की ब्लेड की मदद से बीस का गला काटकर उसे मार देता है। अब उसे मारने के बाद वो रॉबर्ट को बताता है कि अब मैं बीस की जगह ले रहा हूँ और तुम्हें अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा कि बीस ने मुझ पर ब्लेड से हमला किया, जिसके जवाब में मैंने बीस की ब्लेड से उसी की हत्या कर दी। तब रॉबर्ट मनी की बात मानकर ऐसा ही करता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम मनी के हाथ में एक मोबाइल फोन देखते है, जिससे वो कुचर को उन हथियारों की लोकेशन भेज देता है जिसे हॉवी ने शॉटगन के कहने पर दूसरी लोकेशन पर छिपा रखा था। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।